नमस्कार। मैं आप सभी के मित्र श्री अरूप बैनर्जी, जी हां वही संगीतकार अरूप बैनर्जी, सामाजिक कार्य में भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दा, सांस्कृतिक सोच तथा राष्ट्रीय गौरव गाथा, इन कुछ चंद मुद्दों को लेके मेरा बहुत समय से मैं सेवारत हूं, इसी के ऊपर कार्य कर रहा हूं। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है जो मेरे इस कार्य को समर्थन करते हैं, वही मेरी शक्ति है और शायद इसी वजह से ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। एक बात जो मैं हमेशा सभी भाइयों और बहनों, देश के देशवासियों, जितने भाई बहने हैं उनके जहन में लाने की कोशिश करता हूं, और वो मेरा पहला मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा ही है वो, कि सबको समझ लेना होगा कि आज जितने भी हम स्वाधीन सोच व्यक्त करते हैं, सिर्फ व्यक्ति नहीं, हमारी दैनंदिन जीवन के अंदर उसका प्रयोग भी करते हैं, वो स्वाधीनता का व्यवहार भी करते हैं, वो आजादी की। तो ये सब संभव इसीलिए हो पा रहा है कि आज हमारा देश आजाद है, और आजाद सिर्फ इसीलिए है कि कई क्रांतिकारी देश प्रेमी इस आजादी के लिए शहीद हुए। उनका सपना था एक आजाद देश देखने का, आजाद तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं राष्ट्र प्रेम से हम थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है अगर राष्ट्र प्रेम वाकई अगर है तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही ज्यादा द्रुत होना चाहिए था। ठीक है, हाल ही में कुछ सालों में शायद ये पकड़ एक अलग जगह पे वाकई एक गति पकड़ लिया है, लेकिन ये राष्ट्र प्रेम की भावना मैं चाहता हूं हम सभी के बीच में ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। और इसीलिए जो कार्यक्रम मैं करता आ रहा हूं, देश है तो हम हैं, क्या कोई ये इनकार कर सकते हैं? वाकई अगर देश नहीं होता तो हम कहां होते, कहां हमारी हर खुशियां होती, कहां हमारी मौज मस्ती होती। देश के प्रति हम सभी ऋणी हैं, ये ऋणी भावना, ये कृतज्ञता, ये हर पल पल महसूस होना चाहिए हर नागरिक को। तो देश है तो हम हैं, ये कार्यक्रम मैं 25 दिसंबर को करने जा रहा हूं। देखिए, मैं किसी धर्म के उत्सव के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसे दिन चुने हैं कि खुशी के माहौल में लोगों के अंदर, यही तो एक मौका है कि इतने खुशी में मत डूब जाओ
कि देशभक्ति की भावना कहीं कहीं जरूरी नहीं है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, कहीं कम हो जाए, इतना डूब जाए उसी में। ऐसा भी अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ज्यादा मिलना जुलना तो होता नहीं है, तो ऑनलाइन कार्यक्रम ही कर रहा हूं। देश है तो हम हैं, तो मैं चाहूंगा एक देशभक्त होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, क्या आप हिस्सा लेना नहीं पसंद करोगे? अपना सोच, अपना वक्तव्य इसमें लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करोगे? प्लीज आगे आइए मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरे भाई बहनों, मेरी इस निवेदन को जरा गंभीर से सोचिए, गंभीर रूप से सोचिए कि आपका भाई क्या बोलने जा रहा है। देश है तो हम हैं, तो आइए ये देशभक्ति की भावना लोगों में हम और जगाते हैं, लेकिन एक से नहीं, एक और एक मिलके ग्यारह, ठीक है ना, एक और एक मिलके ग्यारह, यानी हम सब जब मिलके मिल जाएंगे तो फिर ना जाने कितने ग्यारह हो जाएंगे। तो प्लीज कृपा करके मेरे संपर्क में रहिएगा, और मेरे जो निवेदन आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज में आएंगे उसको स्वीकार कीजिएगा, ताकि आप हिस्सा ले सके इस प्रोग्राम में। भले आप अमेरिका में हो, भले आप जापान में हो, भले आप ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन हो तो राष्ट्रभक्त, हो तो इस देश के नागरिक, या हमारे इस देश के किसी भी कोने में हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा ये अनुरोध बेकार नहीं जाएगा, आप लोग जरूर स्वीकारोगे इसको। अब की दफा हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे, देश है तो हम है में, इस राष्ट्र के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी को, तो प्लीज उनके बारे में जितना जानकारी हो आप संग्रह कीजिए, पढ़िए, और साथ ही साथ इस देश के और भी सपूत हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना प्राण की आहुति दिए हैं। ऐसे कई 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 नाम हैं, उनका भी बारे में अगर हो सके तो कुछ जिक्र जरूर करिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम देश है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। प्लीज जोड़िए आप सब लोग। नमस्कार।